जैसे कि हमारी ट्रैवल इंडियन रोवर, आप देख सकते हो कितनी स्पीड में आ रही है बात। हेलो दोस्तों, तो अभी हम यहाँ पे 11:30 बज चुके हैं और अभी हम मयूर विहार एक्सटेंशन मेट्रो स्टेशन के पास में खड़े हैं, जो कि हमारा पिकअप पॉइंट है। आप सब देख सकते हैं जैसे कि हमारी ट्रैवलर में सामान लादा जा रहा है और मेरे दोस्त हैं वो जो कि मेरा सामान भी भरवा रहे हैं ट्रैवलर में। अब प्लीज एक बारी हम थोड़ा सा ब्रीफ में आइटनरी समझ लेते हैं कि व्हाट यू विल बी गोइंग फ्रॉम व्हिच प्लेस, ठीक है? तो प्लीज ऑल इयर्स टू मी, अच्छे से सुनिएगा सबके सब, कि इससे आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट आवर जर्नी फ्रॉम दिस पॉइंट, दिस इज मयूर विहार एक्सटेंशन, यही हमारा ड्रॉप और यही हमारा पिकअप पॉइंट रहेगा, ठीक है? एज यू ऑल नो पिकअप पॉइंट ये तो ड्रॉप ही रहेगा, क्लियर? अभी हम लोग डायरेक्टली विल हैव आवर हॉल्ट एट मुजफ्फरनगर, डिनर ब्रेक रहेगा वहाँ पे, विल बी टेकिंग अराउंड 1.5 to 2 hours ऑफ टाइम अप्रॉक्सीमेटली। विल बी अंकुर भाई आ जाओ फ्रेम में, और दोस्तों इसी तरह हमारा सफर 12 बजे के करीब शुरू होता है, कुछ हंसते हुए चेहरों के साथ और कुछ बोरिंग लेक्चर्स के साथ। और दोस्तों ये रात के 2 बज रहे हैं और हम यहाँ पे डिनर के लिए रुके हैं। ये रही अपनी ट्रैवलर, ये रहा होटल। तो दोस्तों खाना तो हमने खा लिया और वहाँ का खाना बिल्कुल वैसा ही था जैसे वहाँ के स्टाफ का बिहेवियर, बिल्कुल बेकार, बट फिर भी हमें भूख लगी थी। दोस्तों हमने ये स्टॉप लिया है ऋषिकेश में, सुबह के 5 बज रहे हैं और ये हमारे ड्राइवर्स ने लिया है ब्रेक, एक टी ब्रेक, क्योंकि उन्हें नींद आ रही थी, तो आगे बढ़ने से पहले ये ब्रेक। संगम की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे, प्रयाग में। और अभी हम यहाँ, हमने यहाँ पे 30 मिनट का हॉल्ट लिया है संगम देखने के लिए, आपको शायद दिख रहा होगा पीछे से, अभी बिल्कुल हम उसके पास जाएंगे और आपको बिल्कुल पास से जाके दिखाते हैं संगम। मैं उत्तराखंड बहुत बार आया हूँ लेकिन ये फर्स्ट टाइम होगा कि मैं संगम देख रहा हूँ देवप्रयाग का, वरना उत्तराखंड की शायद ही ऐसी कोई जगह बची होगी जहाँ पर मैं ना गया हूँ। तो गाइज आपको दिखाते हैं अभी नीचे जाके। तो फ्रेंड्स इधर की साइड से आ रही है भागीरथी जो कि काफ़ी स्पीड में आ रही है, आप देख सकते हो कितनी स्पीड में आ रही है भागीरथी, और यहाँ से काफ़ी शांत अलकनंदा
और यहाँ हो रहा है संगम जो कि गंगा को फॉर्म कर रहा है। आगे यही जाके गंगा बनती है जिसको लोग हरिद्वार में देखते हैं, बनारस में देखते हैं और जो इवेंचुअली जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। मैं कहाँ सो रहा था यार, के बाद हम दोपहर 3 बजे के करीब अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। कैंप साइट जहाँ पे हम आज रात स्टे करने वाले हैं, तो आप पूरी प्रॉपर्टी को देख सकते हैं। आसपास का नज़ारा काफ़ी सुंदर है और आज यहीं पे सब होने वाला है, देखते हैं। सब लोग इसको कन्वर्ट करके जब ये